ने FIR दर्ज करने को कहा था, लड़की वालों ने ये कहा था कि हमारी लड़की बालिग है, हम FIR दर्ज नहीं कराएंगे, क्या पता बयान लड़के के कर दे और ज्यादा मामला बिगड़ जाएगा। वो लड़की को घर ले आए, इंस्पेक्टर साहब यहाँ आए थे, उन्हें समझाया था अगर कोई बात है तो मुझे बताना, मगर उन्होंने कोई बात नहीं बताई। शाम के लिए गांव के लोगों ने पता नहीं उन पे जवाब बनाया, उनने गांव वालों से कहा और घर पे इनकी चढ़ाई कर दी। आदाब नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। लड़के लड़की में मोहब्बतें भीड़ में नफरत भरने का काम कर रही हैं। खास तौर से यूपी के जिला बरेली में मोहब्बत का ये फसाना पुलिस के साथ अमन पसंदों को भी फिक्रमंद किए हुए है। पुलिस जैसे तैसे भोजीपुरा के मामले को तूल पकड़ने के बाद कंट्रोल किए हुए है, लेकिन सिरौली में ऐसा नहीं हो सका। वहाँ उस मुस्लिम लड़के सद्दाम के घर पर हमला बोल दिया गया, जो गुजरी 28 जुलाई को गांव से दूसरे संप्रदाय की लड़की को ले गया था। लड़की बालिग थी, जब हंगामा मचा तो लड़के के घर वालों ने ही अपने लड़के और उसके साथ गई लड़की को बुलवा लिया। लड़की को सहमति बनने पर उसके घर वालों के हवाले कर दिया। तय हुआ कि इस मामले में लड़की वालों की तरफ से कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन लड़की के घर पहुंचने के बाद गांव में वो हुआ जिसकी सुखबुगाहट पिछले कई दिन से सुनाई दे रही थी। बड़ी आबादी ने कम आबादी वाले घरों में से एक सद्दाम के यहाँ हमला बोल दिया। क्योंकि सद्दाम के घर वालों को पहले से अलर्ट किया जा चुका था, इसलिए उन्हें तो आज नहीं आई, लेकिन घर आगजनी और तोड़फोड़ के हवाले हो गया। हालात बिगड़ने पर पुलिस एक्शन में आई तो उसे भी भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ गया। 112 की जीप में तोड़फोड़ कर दी गई। बहरहाल SSP अनुराग आर्य ने SHO सिरौली लव सिरोही हल्का इंचार्ज सतवीर सिंह और चंदूपुरा शिवनगर के बीट कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। बवाल के बाद गांव में शनिवार को मीडिया के लोग पहुंचे तो देखिए वहां से क्या सच सामने आया है। गांव के प्रधान ने कम लफ्जों में बता दिया कि क्या और कैसे हुआ है। ये जो लड़का है ये उमनन है, लड़की लोधी थी, वो यहाँ से चली गई इसके साथ 28 तारीख को। वो लगभग 4-5 दिन के बाद बरामद हुई। गांव के लोगों ने, लोधी समाज ज्यादा है यहाँ, हिंदू मुसलमान कम है, इस वजह से गांव के लोगों ने गुस्सा में मकान पे इस पे तोड़फोड़ कर दी और आग लगा दी। पुलिस ने बाकी कई बार समझाया बुझाया, लोग नहीं माने। रात में उन्होंने मौका देखे और घर में आके चढ़ाई कर दी। पुलिस की यहाँ 100 नंबर बुलाई, 100 नंबर आई, 100 नंबर की गाड़ी पे भी हमला कर दिया। कुछ उनकी भी दिल में ये बात है हिंदू समाज के लोगों में कि ऐसा नहीं होगी, ये लोग हम पे हमला करें, और ये लोग तो पहले से ही डर गए, 2-3 दिन पहले घर खाली कर दिया था। जबकि पुलिस वालों ने कह दिया था थोड़े तुम अलग हट जाना, क्योंकि आपकी समाज कम है, हिंदू समाज ज्यादा है। पहले कुछ नहीं हुआ था यहाँ पर, आज तक कुछ नहीं हुआ है। हम लोग सब हिंदू समाज मोमडन सब एकजुट मिल गए थे। पहले से ही यहाँ लोधी प्रधान रहे, आखिर सही कोई और बिरादरी का प्रधान नहीं बना है, और सब मिलकर रहते थे। इस बार इस लड़के ने ये गलत कदम उठाया, इस वजह से ये देखना पड़ता है। पहले ऐसा कुछ नहीं था। पुलिस ने FIR दर्ज करने को कहा था, इंस्पेक्टर साहब ने, लड़की वालों ने ये कहा था कि हमारी लड़की बालिग है, हम FIR दर्ज नहीं कराएंगे, क्या पता बयान लड़के के कर दे और ज्यादा मामला बिगड़ जाएगा, इसलिए उन्होंने मना कर दिया, हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते। वो लड़की को घर ले आए, पुलिस वालों ने समझा बुझा के भेजा था, इंस्पेक्टर साहब यहाँ आए थे, उन्हें समझाया था अगर कोई बात है तो मुझे बताना, मगर उन्होंने कोई बात नहीं बताई। शाम के लिए गांव के लोगों ने पता नहीं उन पे जवाब बनाया, उनने गांव वालों से कहा और घर पे इनकी चढ़ाई कर दी। लड़की वाले की तरफ से हुआ है? हाँ, ये गाँव के सब लोगों ने कहने से हुआ है। पहले ऐसी लड़की वाले मकल इस्लाम का, वो है मुसलमान धर्म से और वो है यानी हिंदू धर्म से। तो वो लेके गया था, इन्होंने कही लड़की बरामद कर दो, लड़की बरामद हो गई, लड़का जेल में, उसमें थाने में। फिर विवाद ये ऐसा हुआ कि साहब उन्होंने बुलाया लड़की वालों ने, इनका घर फोड़ो, इन्हें बोलो। पहले साहब कभी ना हुआ ऐसा, आज ये पहली बार बहुत तगड़ा मामला हुआ। अब गांव में माहौल साहब खतरनाक है, और जो लोग 2-3 घर हैं ये भी यहाँ से निकल नहीं पा रहे, क्योंकि इनकी दिक्कत ज्यादा है मॉडल लोग। तो अब मतलब आप लोग भी किसी प्रकार की दहशत में है, कोई डर है आप लोगों को भी? तो डर तो एक पास में ऐसा है, गांव की पब्लिक है तो भाई जब पड़ेगी तो। कितने कितने मुस्लिम परिवार है यहाँ? यहाँ पे तीन चार घर है, 3-4 घर है। चलिए, अब आप लोग खतरा महसूस कर रहे हैं फिलहाल? जब तक पुलिस है तब तक कोई टेंशन नहीं? तब तक कोई टेंशन नहीं, पुलिस चली जाएगी फिर टेंशन बनी रहेगी। नहीं सर, 4 घर है तो फिर खतरा किस चीज का? आपको तो आबादी ज्यादा है ना? आबादी हमारी तो कम है ना। क्या नाम है? क्या नाम है? गोवाल। हमारी लड़की घर से जबरदस्ती निकाल रही है सद्दाम ने, हमारी कोई सुनवाई नहीं करी।
हाँ लड़की दे दी हमारी उसकी, जाओ अपने घर पर। हाँ खौफ में रह रहे हम तो, डर लग रहा कि हमें लड़की फिर से निकाल ले जाए जबरदस्त, इसलिए हम बहुत डर रहे हैं। हम तो लड़की ना रख रहे हैं घर पर अपने, उसके पिता ले फिर रहे हैं लड़की को, अपने रिश्तेदारी में फूक रहे हैं। हम रह रहे हैं सर घर पर, जो रहे भी आए हैं भी चले गए सर, जो सही रास्ता हमने चैन से रहे हैं उसे हमें बहुत डर लगता है कि हम लेडीज हैं, बोल रहे हैं अगर बोलने तो हम क्या कर सकते हैं। हमारी सहायता करते गाँव वाले, क्या सहायता करते हैं, सबका सहायता थोड़ी ना कर देंगे। दिन तो अच्छा कट जाता, रात नहीं कटती है।